नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 58 साल तक होते ही कर्मचारियों को छोड़ना पड़ेगा सरकारी मकान। हरियाणा में 58 साल का होते ही सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान छोड़ना होगा। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बावजूद सरकारी मकान नहीं छोड़ने पर सरकार ने संज्ञान ले लिया। चंडीगढ़ और पंचकूला में पति पत्नी के नाम पर घर, ऐसे में कर्मचारी सरकारी आवास नहीं मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा। विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार, उपायुक्त को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक प्रदेश सरकार के संज्ञान में कुछ सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त स्थानांतरण के बाद सरकारी आवास खाली नहीं करते। किसी न किसी बहाने से नियमों को परे जाकर सरकारी आवास में अपने पास बनाए हुए हैं तो उनके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। कुछ आवंटित 58 वर्ष की आयु के बाद गलत तरीके से सरकारी आवास बरकरार रखने का दावा करते हैं। हाँ जी, अब उनके ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया है। जितने भी कर्मचारी हैं जिनका आवास चंडीगढ़ पंचकूला में है लेकिन वो सरकारी आवास में रह रहे हैं और उनके पास घर भी है, तो अब उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा। ये हर किसी के लिए लागू होगा, वो किसी भी दफ्तर में हो, यानी कि यदि आप करनाल में जॉब करते हैं और करनाल में आपका सरकारी आवास है और आपके पास एक घर भी है तो आपको सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा।